हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 4 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग सोल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लेने वाले हैं। ठीक है, वो क्या नॉलेज है, मान लो आपको दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको बोल देगा निकालने के लिए, देन आपको बोल देगा फाइंड करने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरह आपको बोल देगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, आप मान के चल दो कि 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये आप मान करके चल सकते हो। ठीक है, ऐसा इसलिए मैंने आपको कहा है क्योंकि यही क्वेश्चन को इस तरह से भी आपको आपको दिया हुआ मिल सकता है, जैसे 3/2 ए बराबर बराबर 5/10, 5/ ले लो आप 5/3, बी बराबर बराबर 3/4 सी। ओके, तो आपको इसमें भी बोल रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1, राइट, यानी कि रेशियो यहाँ पे 1 इसलिए मैंने लिया, अगर आपको इस तरह से ना दे करके इस तरह से दे दिया जाए तब भी आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, यहाँ पे 1 रेशियो, ये भी रेशियो, यहाँ पे ये भी वटाम दिया हुआ है, ये भी वटाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने का नियम क्या है, देखो आपको करना क्या है, जो अंश है ना, अंश वाले का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, अंश वाला का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो संख्या का एलसीएम लिया हो ना, उन सभी संख्या को इससे काटोगे तो डेफिनेटली ये कटेगा, तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 6 मतलब काटा तो फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे, 2 × 6 = 12, फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 × 1 = 6 होगा। ठीक है, अब फिर इस 3 को फिर 12 में भाग दो, तो 3 × 12, फिर 4 को 1 से हम क्या करेंगे, भाग गुणा करेंगे। ठीक है, 3 × 12, फिर 4 × 4, ठीक है, फिर 4 × 12, 3 × 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचते होंगे कि 1 यहाँ पे क्यों लिखे, 1 को सिंपल सी बात है कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर संख्या तो वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए मैंने ये समझाया, क्योंकि इसी में आपको इस लेवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर वाला संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3, 5, 3, 5 और 3 है, 3, 5 और 3 है। ठीक है, 3, 5, 3 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 15, 3, 5, 3 का एलसीएम क्या आता है जी, तो आप बोलोगे 15 आता है, तो जो एलसीएम जिस संख्या का आपने एलसीएम लिया है, अंश वाला संख्या का, उन सभी को इसमें भाग दो और नीचे वाले से गुना करो, जैसा यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 मतलब में कटा, फिर 5 × 10 रेशियो, 5 × 3 = 15, 3 आया, फिर 3 × 3 = 9 रेशियो, 3 × 5 = 15, 5 मतलब में कटा, 5 × 20। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 1 लेकर के दिखाया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन मत रहो कि अलग अलग ये अलग मेथड इसमें लगेगा, इसमें अलग मेथड लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस दोनों में सेम मेथड है। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि 1 से गुणा करने पर जो है कोई संख्या कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला बेसिक बात है। अब दूसरी बेसिक बात यहाँ पे समझो, ठीक है, मान लो आपको कोई संख्या दे दे ए ए रेशियो बी बी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपको दे दे 1/2। ठीक है, 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 ये आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो बताओ देन आपको बताना है कि 1/a रेशियो b/1/b रेशियो 1/c बराबर व्हाट है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान के चल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस 1 को क्या किया, ऊपर किया और इस 1 को नीचे किया, यानी हर को अंश में बदल दिया और अंश को हर में बदल दिया। ठीक है, यानी ये आपसे पूछ रहा है, आपको इसको अपोजिट कर दिया है ना, इसके बटा को अपोजिट करके आपको बोल रहा है ये फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी बटा को हम लोग अपोजिट कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2/1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया, बट यहाँ पे लिखने की एक जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशियो
ये चार तीन बटा चार है तो ये हो जाएगा चार बटा तीन। रेशियो पांच बटा छह है तो ये छह बटा पांच। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूछ रहा, जो पूछा था उन्होंने जो रेशियो दिया हुआ था उनको पलट करके पूछा, तो हम भी क्या किए, इसको पलट दिए जो रेशियो दिया हुआ था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन को इस तरह से भी आपको दिया हुआ हो सकता था। जैसे मान लो आपको दिया हुआ था वन वटा एक्स, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है वन वटा एक्स रेशियो वन वटा वाई रेशियो वन बाय जेड रेशियो दो अनुपात तीन अनुपात चार, ये मान लो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तब ये आपसे पूछ सकता था क्वेश्चन में, तो आपको बोलता कि बताओ हमको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर वन, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पूछा है जो दिया हुआ था ना इनको पलट दिया, एक ऊपर में था तो एक यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग एक मान के चल सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ भी कुछ नहीं तो एक मान के चल सकते हैं, शो करना जरूरी नहीं होता है बट यहाँ पे एज्यूम किया जाता है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, मैथमेटिक्स का एक रूल है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है ना चेंज कर दिया है ना, भिन्न को फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। वो कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग वन मान के चलेंगे, शो नहीं करना है, ऐसा आपको माइंड में रखना है कि हाँ इसके नीचे वन यहाँ पे है तो इसको हम लोग पलट देंगे। ठीक है, यानी कि ये सारे मिटा दे क्योंकि ये जरूरी नहीं दिखाना, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, दो बटा एक है ना तो एक बटा दो हो जाएगा रेशियो, तीन बटा एक है तो एक बटा तीन हो जाएगा रेशियो, चार बटा एक है तो एक बटा चार हो जाएगा। यानी कि वो जैसे चेंज करेगा वैसे हम लोग जो फ्रैक्शन दिया हुआ है बराबर के उस साइड जो दिया हुआ है राइट साइड उसको भी हम लोग फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे जिस भी हिसाब से वो चेंज कर रहा है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। एक और चीज, ये तो हो गया बेसिक चीज, एक और बेसिक चीज इसी में आपको बताना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है, उसमें भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का ही मान आपको निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, मान लो दिया हुआ है एक बटा दो अनुपात तीन बटा पांच अनुपात चार बटा दस, ये आपको मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, लीजिए चार दस की जगह हम ले लेते हैं पांच ही ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो आपको दिया हुआ है, तब आपको बोल रहा है कि बताओ हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन ये रेशियो में नहीं दिया हुआ, ये एक फ्रैक्शन में है, रेशियो मतलब पूर्णांक में दिया हुआ होना चाहिए, ये तो फ्रैक्शन में भिन्न में, तो इसे आपको पूर्णांक में लाना है। ठीक है, तभी आप उसे कह सकते हो कि हाँ ए बी सी का ये रेशियो है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें जो होता था जो भी संख्या वो वेरिएबल के कॉन्स्टेंट के रूप में गुणांक के रूप में हुआ करता था, लेकिन ये जो है ना उससे अलग हो गया, बाहर हो गया है ना, यानी बराबर के अपोजिट हो गया, ये इस साइड हो गया ये उस साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे आप सोचिए, आप बोलोगे इसमें जो आपने बताया है कि ऊपर वाला का एलसीएम लेना है जितना भी संख्या दिया हुआ है, और सिंपल सी बात है जिसका एलसीएम लेना है तो वो उसी से कटेगा, तो उनको क्या करना है एलसीएम जो भी आया है वो एक एक संख्या को उससे भाग दो और उसके नीचे वाले से गुणा करो, वही इसका रेशियो निकलता था। लेकिन इसमें जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा नीचे वाला का एलसीएम लेना है, उसमें ऊपर वाला का एलसीएम लेते थे ना, तो इसमें क्या करोगे आप नीचे वाले का एलसीएम लोगे। ठीक है, तो दो पांच पांच इसका एलसीएम सबको पता है दस होता है, इसका एलसीएम क्या होगा दस होगा, ये तो सबको पता है, इतना तो नॉलेज होगा ही। ठीक है, दो पांच पांच का एलसीएम दस होगा। ठीक है, अब हम लोग जिसका जिस संख्या का एलसीएम लिए हैं वो संख्या तो इससे डेफिनेटली कटेगा, तो दो पच्चे दस जिसका एलसीएम लिए हैं उसी से काटना है, ये बात याद रखो, तो दो पच्चे दस पांच मिनट में कटा और ऊपर वाले से गुना कर दो तो पांच इकाई पांच, यानी पांच रेशियो पांच दूनी दस, दो मरते में कटा फिर ऊपर वाले में गुना करना है तो द्वितीय छ रेशियो पांच दूनी दस, दो बार में कटा दो चौके आठ, इस तरह आपका ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक ये होता है कि जो भी वेरिएबल है ना इसी के अंदर दिया हो रहा है कॉन्स्टेंट के रूप में गुणांक के रूप में, तो इसमें क्या करना है ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, ओके, और ऊपर वाले संख्या जो एलसीएम आया है उन सभी को यहाँ पे डिवाइड करके जिस वेरिएबल की कॉन्स्टेंट से हमने डिवाइड करा उसके नीचे वाले संख्या से मैंने गुना किया, वही इसका रेशियो निकल के आता था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा है ना, बराबर के इस साइड रेशियो दे देगा तो इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेना है
उसके बाद एलसीएम लिया है, हरों का एलसीएम लेना है, तो जिस जैसे हर का एलसीएम लिए हैं यानी कि हर से ही वो संख्या कटेगा, तो दो पच्चे दस, फिर ऊपर वाले से गुना करना है, पांच इकाई पांच, पांच दूनी दस, दो तीन छह, है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपका, एक मिनट में से ले लेता हूं कॉपी को। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, ठीक है। तब आपसे बोल रहा है देन, तब आपको बोल रहा है a रेशियो b रेशियो c बराबर व्हाट, यही बोल रहा है ना जी। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखो इस टाइप में हम लोग करते क्या है, ऊपर वाले का ही हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4 इन सभी का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, लॉस ऑफ, ठीक है। अब हम का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम सबको पता है 12 होता है, नहीं पता है तो आप निकाल दो, ठीक है, 12 होता है। अब जिसका जिसका एलसीएम लिए हैं उन्हीं से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2, 6, 12, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के चलो, इसलिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन को अगर आपको इस तरह दे दिया जाए तो यहाँ पर कंफ्यूज मत रहो कि हाँ इसमें अलग रूल है क्या, इसमें अलग रूल लगेगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसमें रूल है वो भी यही भिन्न में, ये भिन्न ही तो है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका मतलब ये भिन्न ही तो है, ठीक है। तो 2, 6, 12 6 का ही 6, देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, ऊपर वाला का एलसीएम जो जो संख्या से लिए हैं वो संख्या से, तो वो एलसीएम कटेगा ही। तो 2, 6, 12 और नीचे से 1 से गुना करिए, 6 मतलब कटा था ना, तो 6 गुना 1 6 रेशियो 3, 4, 12 4 मतलब कटा, 4 इकाई 4 रेशियो 4, 3, 12 3 मतलब कटा, फिर 3 को 1 से गुना करो तो 3 इकाई 3, यानी यही इसका आंसर हो गया, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का ये क्या हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका सोल्व हो चुका है, ओके। चलिए जी अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 1 रेशियो √3 रेशियो √2, ओके ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है यदि सी बराबर 4 है तो बी का मान आप निकालो, ठीक है। तो रेशियो का एक चीज तो आप लोग जानते होंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 1 रेशियो √3 रेशियो √2, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है 2, ठीक है, इसका तो यही मतलब है। अब यहां पे आपको दे दिया है यदि इफ सी बराबर 4, ये रियल वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है रियल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ये जो है इससे कितना गुना ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी का मान जो है 2 है और ये रियल में 4 दिया हुआ है, इसके मतलब ये 2 गुना है, इसका तो मतलब क्या है, ये 2 गुना है, है ना। तो किसी भी एक रेशियो का अगर आपको रियल वैल्यू पता चल जाए उसका मतलब यही होता है कि सारा रेशियो उसी जो है मल्टीपल में बटा हुआ होना चाहिए। तो रूट बी रेशियो के बारे में पूछ रहा तो इसको भी आप क्या करोगे, √2 से गुना कर दो, √2 नहीं सिर्फ 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 गुना था ना तो 2 से इससे भी गुना कर दो। अगर ए के बारे में पूछता तो इससे भी हम लोग 2 से गुना करते तो एक का वैल्यू पता चल जाता, ठीक है। तो 2 गुना √3 कितना हो जाएगा, 2 √3, है ना, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। रियल वैल्यू दिया हुआ था 4, ओके सी का मान, और सी का मान यहाँ पे मैंने देखा 2 है, तो इसको हम देखें ये जो है कितना, इसका कितना गुना है, तो 2 है और 4 है यानी 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब है सारा रेशियो 2 गुना में यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि सभी का वैल्यू 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो सभी को मैंने जिसके बारे में पूछ रहा था उससे उसको मैंने क्या किया, बी के बारे में पूछ रहा था ना, बी का मान क्या होगा, ठीक है, तो बी का यहाँ पे 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो एक और तरीका है इसका, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 1 रेशियो √3 रेशियो √2, ठीक है। देखिए रेशियो सी का मान पूछा था ना, देखिए सी का वैल्यू दिया हुआ था, देखिए अनुपात में सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अनुपात में सी का वैल्यू अनुपात 2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो रियल में दिया हुआ है 4, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसके रेशियो से गुना कर दो, तो रेशियो 1 का मान 2 है तो रेशियो 3 का मान क्या होगा, तो यानी कि इससे गुना हो जाएगा, 1 रेशियो 1 का मान 2 है, रेशियो 1 का मान मेरे पास 2 आया है तो रेशियो 3 का मान क्या होगा, रेशियो 3 का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है गुना कर दो, है ना, 1 से ज्यादा है ना 3, तो कम से ज्यादा हम क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। जैसे एक आम का दाम
एक आम का दाम 5 रुपया है, तो आपसे बोल देगा 2 आम का दाम कितना होगा, तो अब क्या करोगे, गुना कर दोगे डायरेक्ट 5 गुना 2। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया, रेशियो 1 का मान 2 है तो रेशियो √3 का मान क्या होगा, इससे गुना कर दिए, सिंपल सी बात है। यानी इस तरह से भी आप बना सकते हो ये, ठीक है, यानी 2√3 हो जाएगा, 3 गुना √3 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से भी इजिली आप बना सकते थे, बहुत ही आसान यहाँ से निकला है, ठीक है, ओके। तो आप जिस भी मेथड से आप समझ रहे हो आपके लिए वो बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि a/b a/3 b/4 c/7 है तो a:b=c बराबर क्या होगा, देखिए क्या दिया हुआ था, ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए जो हम अभी हम काम करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए इतना दिया हुआ है बराबर, ठीक है। देन तो आपको बोल रहा है कि बताओ हमको a:b:c बराबर क्या होगा, यही आपको बोल रहा है जी, कितना सिंपल है, मैंने तो आपको बेसिक में एक बता रखा है, ओके। देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, a/3 को हम 1/3 a लिख सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये तो बेसिक बात है, आपने बताया जो हम हर कोई जानता है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ आपने जो बताया है हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, अगर यही रेशियो बाहर में दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते बताओ, तब हम लोग नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकालते, नीचे वाले का। लेकिन इस टाइप में हमने आपको क्या बताया था, ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या क्या दिया हुआ है, संख्या एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो सब लोग बोलोगे एक 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 का एलसीएम एक होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका एलसीएम है ऊपर वाले का। इस टाइप में क्या करते थे हम लोग, ऊपर अंश वाले का हम लोग एलसीएम निकालते थे, एक 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 का एलसीएम एक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो इस एक को एक में डिवाइड करेंगे एक आएगा, फिर नीचे वाले से गुना करेंगे 1 गुना 3 3 होगा रेशियो। इस एक को एक में डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, फिर इससे हम लोग गुना करेंगे 4 इकाई 4 रेशियो। इस एक को इसमें गुना करेंगे एक बार में कटेगा, फिर एक को इसमें गुना करेंगे 7 इकाई 7 यानी फाइनल यही आपका आंसर, ठीक है, यानी यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। बहुत ही इजी था, अगर इसी क्वेश्चन को मान लो इस तरह पूछ लेता है, देखिए ए ए ए बराबर ए रेशियो दे देता है, ए रेशियो डी रेशियो सी बराबर दे देता है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7, तो आपको बोलता है ए बी सी, आप ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करो, तो आप क्या करते हैं नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं ना, इसमें उल्टा काम करते, इसमें ऊपर वाले का एलसीएम निकालते थे और नीचे वाले से हम लोग गुना करते थे काटने के बाद, और इसमें दस उल्टा हम लोग करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक में समझा रखा है, ठीक है। चलिए तो यही आपका आंसर हो गया, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 24 क्या दिया हुआ है, यदि x/5 / y/8 हो तो x+y / y+8 किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x/5 / y/8 ये दिया हुआ है, तब आपसे बोल रहा है कि बताओ x+5 / y+8 बराबर क्या होगा, ये आपको बोल रहा है किसके बराबर होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सोचो इसमें क्या करे, यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं कि x का क्या मान है और y का क्या मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x/5 है बराबर y/8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 x 8x हो जाएगा, y 5 5y हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखिए इस x को इसी साइड रखते हैं और इस y को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इस x को इसी साइड रखते हैं, इस y को इस साइड लेके आते हैं, तो ये y क्या है, गुना में है, तो इस साइड आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, 5 के साथ गुना में है ना, तो इस साइड आएगा तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। इस 5 को हम लोग इसी साइड रखते हैं, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब इस 8 को भी उस साइड लेके चले जाइए, यानी कि वेरिएबल को टर्म को एक साथ और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लो, तो ये 8 गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
यानी x का मान पता चल चुका है 5 है और y का मान 8 है, रेशियो पता चल चुका है, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। x की जगह क्या पुट करना है 5, 5 पुट किया प्लस y की जगह क्या पुट करना है 8, तो 8 पुट कर लिया। ये तो 8 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये भी 5 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, 5 प्लस 5 10 होता है, रेशियो 8 प्लस 8 16 होता है। ये रेशियो अभी ये फाइनल रेशियो नहीं है क्योंकि ये अभी कटेगा, 2 से कट रहा है, ठीक है काटो, 2 5 10 2 8 16 यानी 5:8 फाइनल ये आपका आंसर हो गया, इससे छोटा ये रेशियो नहीं हो सकता, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है 1:1:y:1:z=2:3:y दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है x:y:z=1। बहुत ही सिंपल है, देखिए मैंने आपको बेसिक चीजें में चीज बताया था वो आप याद कीजिएगा, ओके। अगर कोई वीडियो को स्किप किया होगा तो थोड़ा सा उसे यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा सा टाइम को यहाँ पे देना होगा, ओके। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, तब आपको बोल रहा है कि बताओ आप हमको x:y:z=1। देखिए अभी तुरंत मैंने बेसिक में ये चीज बताई थी, यही चीज आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये था इस तरह और ये इस तरह पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको भी उसी तरह हम लोग चेंज करेंगे। ये देखिए इसके नीचे ऊपर अंश में एक है, अंश में एक है, अंश में एक है, ये क्या क्या इसी अंश को नीचे कर दिया, यानी इसको क्या क्या x/1 कर दिया रेशियो, y/1 कर दिया रेशियो, z/1 कर दिया, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे एक नहीं दिखाना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन में एक नहीं दिखाया है, ठीक है, इसमें वो कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो भी चेंज कर देना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, तो जस्ट इसका भी रेशियो आप चेंज कर दो, तो एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे रेशियो, एक ऊपर चला जाएगा 3 रेशियो नीचे रेशियो, एक ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो क्या अब ये रेशियो है, नहीं ये अभी रेशियो नहीं है, एक एक फ्रैक्शन में, तो इसको रेशियो में कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको मैंने बताया था इस टाइप में क्या करते हैं, नीचे वाले का है एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का है एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 5 2 10 5 15 5 6 20 25 25 5 6 30 होता है, यानी इसका एलसीएम 30 आएगा जी। आप किसी को कंफ्यूजन तो एलसीएम निकाल के देख लो यार, 2 3 5 ये किसी से तो कटेगा नहीं, यानी यही आपस में गुना हो जाएगा, 5 15 15 20 30, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जिसका एलसीएम लिए हो तो हर वाले का एलसीएम लेते हैं हम लोग इस टाइप में, तो हर वाले की संख्या से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, और जितना वाले कटेगा ऊपर वाले से गुना करके आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो 2 को 30 में डिवाइड करो तो कितना वाले में कटेगा, 15 वाले में कटाना, तो इस 15 को 1 से गुना करो तो 15 गुना 1 15 ही होता है रेशियो, 3 को 30 में भाग दो तो 3 10 30 10 वाले में कटा तो 10 को 1 में गुना करो 10 गुना 1 10 होता है, 5 6 30 6 मरते में कटा फिर 6 को 1 में गुना करो 6, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या ये छोटा होगा, छोटा हो रहा है क्या, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। रेशियो तभी आप उसे छोटा कर सकते हो जब वो एक ही जो संख्या से तीनों कटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 कट रहा है काट दो, ऐसा नहीं, तीनों कटना चाहिए उससे, तभी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 अब तक हमने सोल्व किया है, ठीक है, और हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।